दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर राहुल गांधी ने कही ये बड़ी बात। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तुलना में कहीं अधिक एक प्रचार मंत्री हैं और अपने अहंकार के चलते खटपटा रहे हैं। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, नाकाम अर्थव्यवस्था और मोदी का निजी भ्रष्टाचार ही देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री का व्यवहार घबराहट का संकेत देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह मोदी खुद के बखान के प्रति आत्ममुग्ध हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपने प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में राहुल ने कहा, इस मुद्दे पर टिप्पणी करना मेरे लिए अहंकार की बात होगी। जनता सर्वोपरि है और वही फैसला करेगी, मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री पर पीएमओ के जरिए मीडिया में एक खास तरह के विमर्श को बल देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी असल मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर 2014 के चुनावी वादों को पूरा करने और नाकाम अर्थव्यवस्था का संचालन करने का आरोप लगाते हुए कहा, मोदी का अहंकार और सत्ता की उनकी भूख, खुद का बयान करने की उनकी ये झूठी मान्यता कि उनके पास भारत की हर समस्या का समाधान है और उन्हें किसी दूसरे से सलाह मशविरा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं वजह से वे छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को नष्ट करना, घृणा एवं कट्टरपंथ का बढ़ना, समाज में रोष एवं हिंसा के प्रत्यक्ष बढ़ोतरी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर हमला जैसे कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर मतदाता वोट देने से पहले विचार करेंगे। उन्होंने कहा, 2014 में मोदी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते में 15 लाख रुपए डालने का झूठा वादा, 2 करोड़ नौकरियों के सृजन का वादा, 100 स्मार्ट शहरों बनाने का और विदेश में 80 लाख करोड़ रुपए काला धन वापस लाने का वादा, ये सब चुनाव के मुख्य मुद्दे होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वह भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, राहुल ने कहा, ऐसा कहना मेरे लिए अहंकार पूर्ण होगा। ये कहने वाला मैं कौन हूँ, ये भारत के लोग हैं जो फैसला करेंगे। पुलवामा हमले के बाद भाजपा के बढ़त हासिल करने की धारणा पर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि फोन कॉल के जरिए मीडिया पर एक खास तरह के विमर्श को उठाने के लिए दबाव, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की धमकियों के जरिए दबाव बनाया गया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने साइकिल यात्रा शुरू की। लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार तेज करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को 2 हफ्ते चलने वाली साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए पार्टी की मंशा लोगों के लिए कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी के नजरियों का प्रचार करने की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बयान में कहा कि हाथ के साथ साइकिल यात्रा 13 दिन में राष्ट्रीय राजधानी के 27 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और आईसीसी के संचार विभाग के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह देश में हो रहे बड़े बदलाव को लेकर समूचे देश में एक बड़ा संदेश भेजेगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि सुरजेवाला ने कहा कि साइकिल यात्रा भाजपा सरकार की विफलताओं और झूठ का पर्दाफाश करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी ने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया और लोगों से विश्वासघात किया है। इस बीच रविवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के आवास पहुंचे और उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि स्मृति ईरानी ने राम मंदिर नहीं जाने पर प्रियंका गांधी पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के चौकीदार बने हैं, तब से विदेश घूमने वालों को माँ गंगा की याद आने लगी है। अयोध्या की हाल की यात्रा के दौरान रामलला के तिरपाल के मंदिर में दर्शन नहीं करने पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला करते हुए
ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को इस बात का डर था अगर वे मंदिर में भगवान को प्रणाम करेंगी तो उनके वोट कम हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार ने एक हलफनामे में अदालत से कहा था कि भगवान राम को कोई अस्तित्व नहीं है, आज वे राम भक्त बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा जो लोग विदेश की यात्रा पर रहते थे उन्हें मोदी के देश का चौकीदार बनने के बाद से मां गंगा की याद आने लगी है। उन्होंने कहा अपनी चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस नेतृत्व ने अयोध्या जाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा वे अयोध्या जाते हैं लेकिन मंदिर में प्रणाम नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि अगर वे भगवान को प्रणाम करते तो उनका वोट बैंक उनसे दूर हो जाता। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में प्रार्थना की थी लेकिन वह रामलला मंदिर नहीं गई थी। जय दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केरल और वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल। अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की अमेठी के साथ ही अब केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने रविवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट से चुनाव लड़ने के साथ ही वायनाड से भी उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दौरान आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के सांस्कृतिक विविधता पर हमला कर रही है और इसे बचाने के लिए श्री गांधी ने उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वायनाड संसदीय क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है और इन तीनों प्रांतों से बार बार श्री गांधी को इस सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। केरल की यह सीट अभी कांग्रेस के पास है और 16वीं लोकसभा में श्री एम आई शनवास इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री शनवास केरल प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाही अध्यक्ष भी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लग गया है कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से वह चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षित स्थान चुना और केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने रविवार को यहां पत्रकारों से कहा कि श्री गांधी चुनावी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार वायनाड में 49% हिंदू आबादी है। श्री गांधी को यह सीट सुरक्षित नजर आई, इसलिए उन्होंने अमेठी के साथ ही इस सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मैनपुरी लोकसभा चुनाव से मुलायम के नामांकन में शामिल होने पर दिया शिवपाल ने यह जवाब। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव कल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। इस पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि कल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मैं नेताजी से मिलूंगा और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दूंगा। मैं उन्हें अपनी रैलियों के लिए भी आमंत्रित करूंगा। शिवपाल यादव से जब सवाल पूछा गया कि क्या वह कल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के नामांकन के लिए जाएंगे तो उन्होंने कहा कि अब वहां हमारे विरोधी भी होंगे तो हम वहां तो ना जा सकते हैं, हाँ लेकिन मेरी शुभकामनाएं नेताजी के साथ हैं और उनके खिलाफ मैंने कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा है, उनकी जीत पक्की है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का यह पहला चुनाव होगा जिसका संचालन अब शिवपाल की जगह कोई और करेगा। इससे पहले यह जिम्मेदारी नेताजी हमेशा अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को देते थे, अब पहली बार दोनों भाई अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का छलका दर्द, बोले इस बात का रहता है अफसोस। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन 76 वर्ष के हो गए हैं लेकिन उनकी उम्र उनके कामों में कभी रोड़ा नहीं डाल पाती है। वैसे तो बिग बी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं, वे अपने कामों से जुड़ी हर तस्वीर पोस्ट करते ही रहते हैं। उन्होंने इस बार अपने फेसबुक पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें बिग बी अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बार उनका दर्द भी छलका है, उनके दर्द को जानकर फैंस नाराज हो सकते
सकते हैं। फोटो में बिग बी देसी स्टाइल में नजर आ रहे हैं। वे सफेद कपड़े पहने हुए हैं और सिर पर एक गमछा भी डाल रखा है। उन्होंने माथे पर चंदन भी लगा रखा है, लेकिन जूते कुछ अलग पहने हुए हैं। उनके फैंस ये बात जानकर नाराज हो सकते हैं कि उनकी ये तस्वीर किस फिल्म की है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वे किस नई फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन फोटो के कैप्शन में उनका दर्द छलका है। उन्होंने लिखा कि ढलती उम्र के साथ एक चीज का अफसोस रहता है कि तू बुलाने वाले कम होते जाते हैं। बता दें कि बिग बी हाल ही में बदला मूवी में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक सुजोय घोष थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ तापसी पन्नू और मानव कौल भी थे। उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी। मूवी में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मैं भी हूँ चौकीदार कार्यक्रम बालाकोट में मैंने नहीं किया, देश के जवानों ने किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशेवर कारोबारियों व चौकीदारों से सीधे बातचीत की मुहिम के तहत देश भर में 500 अलग अलग स्थानों पर लोगों से पीएम ने संवाद किया। दिल्ली में यह कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ, जबकि अन्य स्थानों पर पार्टी के कार्यालयों और दूसरे स्थानों से लोगों को जोड़ा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर इसी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले, देश के सम्मान में ही अपना गर्व अनुभव करने वाले लाखों लोगों से तकनीक के माध्यम से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। 2014 में भाजपा ने मुझे दायित्व दिया, उसके बाद मुझे देश के कोने कोने में जाने की नौबत आई। तब मैंने देश के लोगों से कहा कि आप दिल्ली का दायित्व जो मुझे दे रहे हैं उसका मतलब है कि आप एक चौकीदार बैठा रहे हैं। मैंने तब कहा कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा, एक चौकीदार के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि चौकीदार ना कोई व्यवस्था है, ना कोई यूनिफॉर्म की पहचान है और ना कोई चौखट में बंधा है। चौकीदार एक स्प्रिट है, एक भावना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को राजा महाराजा की जरूरत नहीं है, देश की जनता को हुकुमदारों की जरूरत नहीं है, देश की जनता को चौकीदार को पसंद करती है। एक चौकीदार के रूप में मैं अपने दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। देश की जनता को हुक्मरानों की जरूरत नहीं है और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विकसित होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश की जनता फिर से एक बार हमें देश की सेवा करने का मौका देने वाली है। मुझे खुशी है कि देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 11 को क्या होगा या 21 को क्या होगा, इसी में लगे पड़े हैं और आप शपथ के विषय में सोच रहे हैं। 2019 में जब मैं शपथ लूंगा तो वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी शपथ होती है कि हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि 200 करोड़ की ठगी करने वाले कॉल सेंटर गिरोह का पर्दाफाश। पश्चिमी यूपी एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटरों को ठगी करने के लिए आम लोगों का डेटा बेचने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के सहायक पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम ने बताया कि देश भर में ग्राहकों का डाटा हैक करके ठगी करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। पठानकोट, बेंगलुरु, चंडीगढ़, रायपुर, बीकानेर और यूपी के लोगों से ठगी की जा रही थी। एसटीएफ ने इन ठगों को गिरफ्तार करने के लिए साइबर मुखबिरों को सक्रिय कर दिया। इस क्रम में शनिवार को सेक्टर 142 स्थित अंसल कारपोरेट पार्क से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के कैमूर निवासी नंदन राव पटेल के तौर पर हुई है। इसके पास से 14 लाख ग्राहकों का डाटा और 2 मोबाइल, लैपटॉप, 4 डेबिट कार्ड, 6 चेकबुक आदि बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि पटेल शॉपिंग कंपनियों के कर्मचारी से साठ गांठ कर प्रति व्यक्ति का डाटा 2 से 3 रुपए में खरीद लेता था। इस डाटा को देश भर के फर्जी कॉल सेंटरों को 5 से 6 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से बेच देता था। आरोपी खुद भी वेबसाइटों को हैक कर डाटा चोरी करता था। कॉल सेंटरों से ऑनलाइन शॉपिंग, बीमा कराने, लकी ड्रॉ निकलने आदि के नाम पर लोगों से ठगी जा रही थी।
आरोपी के पास 14 लाख ग्राहकों का डाटा बरामद हुआ है। ये गैंग अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी अब तक देश भर के नागरिकों से 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के साथ काम करने वाले एक दर्जन से ज्यादा लोग फरार हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ममता, केजरीवाल और नायडू एक मंच पर आए तीन नेता मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में लग गई हैं। इसी कड़ी में आज विशाखापट्टनम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी रैली को संबोधन करने पहुंच चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि नायडू के स्पॉट में ममता और केजरीवाल दोनों ही मौजूद हैं। जाहिर है ममता, केजरी और नायडू तीनों मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक मंच पर तीन दिग्गज नेता। इस रैली को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आयोजित किया है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेता शिरकत करने पहुंचे। माना जा रहा है विपक्ष की इस रैली के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही देश को महागठबंधन की एकता को लेकर संदेश दिया। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते ही मोदी सरकार पर हमला बोला और जनता को धोखा देने का रूप लगाया। वहीं इसके पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था उसे बीते 5 सालों में अब तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा मोदी जी ने सबको 15-15 लाख रुपए देने का भी वादा किया था, लेकिन इस वादे को भी नहीं पूरा किया। अगर हमारी सरकार में आती है तो हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इसके अलावा हम गरीबी हटाने के लिए न्याय योजना लाएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के होने के महज कुछ ही समय बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहला चरण का चुनाव 11 अप्रैल को है और आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वहीं मतों की गणना 23 मई को होगी और उसी शाम को देश को यह पता चल जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किस राज्य से हैं आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।